नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है ईपीएफओ की तरफ से, यानी कि जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी है उनके लिए तो बहुत ही बड़ा तोहफा है, क्योंकि अब आपको पेंशन है जो डेट ईपीएफओ की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस तारीख को आपके पीएफ अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से आपको जानकारी बताने वाले, तो वीडियो आखिर तक आप देखते रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और घंटे का बटन दिखेगा उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि ऐसी पेंशन रिलेटेड और भी अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों को जल्द ही ईपीएफओ की ओर से तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि पीएफ पर ब्याज दर कम होने के कारण इसे दिसंबर से पहले भी जमा किया जा सकता है। अभी वित्त मंत्रालय की मोहर लगने में ही देरी हो रही है, क्योंकि फिलहाल 43 साल में पीएफ पर सबसे कम ब्याज मिल रहा है, इसलिए जल्द ही इसे वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ईपीएफओ के सदस्यों के पीएफ खातों में कभी भी ब्याज का पैसा आने लगेगा। आपको बता देते हैं, पेंशन धारकों फिलहाल ईपीएफओ में ब्याज दर है जो भी बहुत सबसे कम ब्याज दर है। फिलहाल पीएफ पर ब्याज कई दशकों से यानी कि निचले स्तर पर है। ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए पीएफ की जो ब्याज दर है वो 8.1% तय की गई है। ये 1977 और 78 के बाद सबसे यानी कि कम ब्याज दर है। इससे पहले 2020-21 में पीएफ पर जो ब्याज दर थी वो 8.5% थी, वो यानी कि अब घटकर के 8.1% हो गई है, जिसके तहत ईपीएफ पेंशनधारकों की जो पेंशन है कभी भी दिसंबर से पहले आपकी पेंशन है जमा की जा सकती है।